सो गाइस चलते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और एक जैंगो प्रोजेक्ट बनाते हैं। सीएमडी जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट रेजर पे अंडरस्कोर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसके अंदर सीडी कर लेते हैं, रेजर पे अंडरस्कोर सेकेंड। ठीक है, अब हम इस रेजर पे सेकंड को ओपन कर लेते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन ओपन हो गया है। अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको रन कर लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, तो हमारा सर्वर स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया, ये हमारा फ्रेश जैंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स बना लेते हैं अपने, जो भी हमारे टेम्पलेट रहेंगे। सो उससे पहले हम लोगों को एक ऐप बनाना होगा, तो ऐप पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप एस आर सी। ठीक है, फिर से अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और इस ऐप को चलते हैं अपने सेटिंग्स डॉट पी वाई में रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, सेटिंग्स डॉट पी वाई में जैसे रजिस्टर करेंगे, इंस्टॉल्ड ऐप मिल गए, यहाँ पे गए एस आर सी। ठीक है, अब एस आर सी के अंदर हम लोग एक टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे, सॉरी टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स में हमारी दो टेम्पलेट रहेंगी, एक होगी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक होगी सक्सेस डॉट एच टी एम एल और एक होगी बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब यू आर एल्स अपने सही कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, कोई भी जैसे इस पाथ को हिट करेगा तो ये वाला कॉल हो जाएगा, इंक्लूड एस आर सी डॉट यू आर एल्स। ठीक है, अब एस आर सी में यू आर एल्स नाम की फाइल बना लेते हैं, यू आर एल्स डॉट पी वाई। ठीक है, पी वाई बन गई, उसके बाद फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, एडमिन की ज़रूरत है नहीं, पाथ कोई भी इस पर्टिकुलर पाथ को हिट करेगा तो हम सबसे पहले होम वाला व्यू कॉल कराएंगे, इसका नेम दे देते हैं एक होम और एक पाथ होगा हमारा किसका, सक्सेस का। ठीक है, इसका नाम है सक्सेस, नेम सक्सेस फ्रॉम डॉट व्यूज इम्पोर्ट होम कॉमा सक्सेस। अब जा करके हम लोग व्यू में ये दोनों पाथ बना देते हैं, डेफ होम रिक्वेस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट ये क्या बना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, डेफ सक्सेस रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर सक्सेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है, सर्वर बंद हो गया है, सर्वर फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो रही है, चल रहा है। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम लोग सबसे पहले बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बेस डॉट एच टी एम एल में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग अपना इसका टाइटल डाल देंगे, टाइटल डाल लेते हैं रेजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक,
एंड ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो होगा ये इनहेरिट करेगा एक्सटेंस, इनहेरिट करेगा बेस डॉट एस टी एम एल, बेस डॉट एस टी एम एल ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब इसको एक बार फिर से रीलोड कर लेते हैं, सर्वर हमारा चल रहा है, ठीक है। अब सब कुछ हमारा चल रहा है। अब सबसे पहले हम लोग टेम्पलेट की डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। टेम्पलेट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अब हम एक इनपुट बॉक्स चाहिए होंगे दो, ठीक है। डिव क्लास ऑफ कॉल 6 MX डैश ऑटो, ठीक है। सबसे पहले अब हम इसमें फॉर्म फील्ड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दो चीज़ हमें चाहिए होगी क्या, एक वो चाहिए होगा जिसमें से हम लोग नेम पूछेंगे, और एक हमें चाहिए होगा क्या वो, तो एंड एंटर नेम टाइप हो जाएगा इसका नेम, ठीक है। और ये यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एंटर अमाउंट, ठीक है। एंटर अमाउंट हो गया, BTN ऑफ सक्सेस, BTN अंडरस्कोर ऑफ ब्लॉक, ठीक है। फॉर्म हमारा, सॉरी मैं सक्सेस डॉट एच टी एम एल पर कॉपी कर दिया, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हमें सबसे पहले एक कॉफ़ी की इमेज चाहिए होगी, कॉफ़ी की इमेज के लिए कॉफ़ी वेक्टर इमेज में जाएंगे, कोई भी अच्छी सी कॉफ़ी की इमेज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो, कौन सी अच्छी लग रही है, सभी अच्छी हैं, ये वाली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वाइट भी है, इसको इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ पे डाल लेते हैं अपना डिव क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर इमेज SRC क्लास ऑफ इमेज फ्लूइड की क्लास दे देते हैं और इमेज रिस्पॉन्सिव। अब इसको एक बार रीलोड करके देख लेते हैं कॉफी अभी। अब इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं, स्टाइल हाइट ऑफ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल की हाइट दे देते हैं, ठीक। अब इसको ऊपर से थोड़ी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप, जैसे मार्जिन टॉप दिया ये हो गया हमारा काम, ठीक। ये अमाउंट हो गया, ये नेम हो गया। अब सक्सेस पेज डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। सक्सेस पेज के लिए स्लैश सक्सेस लिखना पड़ेगा, सक्सेस डिजेंट मैच URLs SUCC, ठीक है। उसके बाद सक्सेस की एक इमेज कॉपी कर लेते हैं, सक्सेस वेक्टर आइकन, ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ये वाला यूज़ नहीं हो पाएगा हमें लग रहा है, चलो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, क्या हो रहा है, सक्सेस का लोगो कॉपी करने के लिए यहाँ से सक्सेस डॉट png, ठीक है। सक्सेस में आएंगे अब हम लोग, इसको भी वही क्या कर देंगे, डिव क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर इमेज src, ये दे दिया, क्लास ऑफ इमेज फ्लूइड, ठीक है। बड़ा आ रहा है, इसको भी स्टाइल दे करके
हाइट इसकी दे दी क्या 200 पिक्सल, और H2 थैंक्स योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप ऑफ 5, PT ऑफ 5, और इसमें भी थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं टॉप, ठीक है, मार्जिन 4 हो गया। अब हमारा ये कुछ पेमेंट इस तरीके का आ गया। अब हम इसका मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं। मॉडल में क्या क्या फील्ड होंगी, सबसे पहले हमें इसका क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर हमें करना है इसका मॉडल्स क्लास कॉफी मॉडल्स डॉट मॉडल। अब हमें इसका नेम चाहिए होगा, ठीक है, कैर लेंथ 1000 दे दी, 100 हो गया। अमाउंट चाहिए होगा, वो भी होगा क्या, कैर फील्ड ही कर लेते हैं इसको भी, मैक्स लेंथ ऑफ 100। और रेजर पे आईडी चाहिए होगी, पेमेंट आईडी, पेमेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100 और पेड, ये एक बुलियन फील्ड होगी, ठीक है। डिफॉल्ट हम इसको फॉल्स दे देंगे, ठीक है। अब हम अपने सारे माइग्रेशन रन कर लेते हैं। तो माइग्रेशन रन करने के लिए कमांड होता है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। माइग्रेशन हो गए, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेट कर लिया। अब उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर कर लेते हैं, क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है, इसका नाम देते हैं अभी ईमेल a@a.com, पासवर्ड 123123, बाईपास यस, ठीक है। अब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। अब उसके बाद इस मॉडल को अब हम लोग अपने एडमिन पैनल में रजिस्टर भी करा देते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट सी कॉफी, ठीक है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कॉफी। अब एडमिन पैनल में हम लोग जाते हैं स्लैश एडमिन abhi123, ये हमारा कॉफी मॉडल रजिस्टर हो गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने उसको, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग क्या कर लेते हैं, रेजर पे क्लाइंट इंस्टॉल करना होगा। कोई भी रेजर पे अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, रेजर पे क्लाइंट, ठीक है। रेजर पे क्लाइंट ही एक वो है जिससे हम लोग वो करेंगे, तो क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल रेजर पे, ठीक। हम मेरे में पहले से इंस्टॉल से दिखा रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। अब सबसे पहले अब हमें चेक करना होगा, अगर हमारा मेथड जो है वो पोस्ट है तो वहां से हमें जो भी फॉर्म डेटा है वो लाना होगा। तो फॉर्म डेटा लाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें नेम देना होगा, तो नेम हो गया नेम, और नेम हो गया इसका क्या अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें CSRF भी इंक्लूड करना होगा, तो CSRF इंक्लूड करने के लिए होता है CSRF टोकन, ठीक। यहाँ तक सब सब कुछ सही चल रहा है, और मेथड क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट होगा, मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। मेथड जैसे ही पोस्ट करेंगे, अब उसके बाद हमें जो भी फील्ड वहाँ पे यूज़र ने भरी होंगी, यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे हमें प्रिंट करानी होगी, तो उसको यहाँ पे सब कुछ पहले क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, व्यूज खोल लेते हैं, और index.html व्यूज में गए तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल टू पोस्ट, अगर ये है तो हमें क्या चाहिए होगा, उसका नेम, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट नेम, और उसका अमाउंट जो भी उसने एंटर किया होगा,
अमाउंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट अमाउंट। अब प्रिंट कर लेंगे इनको यहाँ पे, ठीक है। नेम प्रिंट प्रिंट अमाउंट, ठीक है। अब इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि सब कुछ चीज़ें सही चल रही कि नहीं। सर्वर हमारा बंद हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक। नेम डाल दिया अभिजीत, अमाउंट डाल दिया 500, ये पासवर्ड फील्ड में आ रहा है अभिजीत, तो 500 आ गया, ठीक है। अब हम index.html में चलते हैं, इसको पासवर्ड से नंबर में कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा, रेजर पे डॉक्यूमेंटेशन में जाना होगा, रेजर पे डॉक्स, ठीक है। रेजर पे डॉक्स में गए, डॉक्यूमेंटेशन में गए, उसके बाद हमें अभी API की भी चाहिए होगी, तो हम अपना अकाउंट भी लॉगिन करके देख लेते हैं। डॉक्स में जाने के बाद हमें चाहिए होगा क्या, वेब इंटीग्रेशन। वेब इंटीग्रेशन के बाद हम लोग चलते हैं, हमें ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पाइथन में किस तरीके से हम लोग अकाउंट पेमेंट आईडी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ